going to Kerala for a short trip. It's not like a trip. It's a work trip. I mean, I have no idea ये कौन से type की कौन सी packing कर रही हूँ मैं. ये बड़ी handy लगती है, जो बहुत ही सही लगती है. Okay guys, my packing is done. Let me take you through. All done, very organized, very nice. What's up you guys, welcome to my channel, welcome to another video. I hope you all are doing well, and from the title you all know I am doing a very random, very candid pack with me. We're going to shoot it, so main bahut hi zyada thak gayi hu aaj, itna zyada kaam tha, but still we have to pack because kal flight hai. And for context, I'm going to Kerala for a short trip. It's not like a trip, it's a work trip. This is like one of those times jahan pe maine koi preparation nahi kar rakhi hai, maine bilkul bhi pre-plan nahi kiya hua hai ki kya pack karna chahiye kya nahi karna chahiye. So let's go with the flow. Shall we? We have my bag का cover जिसे निकाल लिया मैंने. I have all of these packing cubes, तो सारे तो मैं use नहीं करूँगी, but generally मैं क्या करती हूँ, सारे जो pouches जिसे मैं एक ही साथ रखती हूँ, तो जैसे ही मुझे कहीं जाना होता है तो I literally get this out, start using all the pouches that I need to. So I think I'll use this. I don't need all of these. पहले मैं सामान निकाल लेती हूँ, मैं मुझे पता ही नहीं है क्या है मेरे, कितने जूते क्या मैं पैक कर रही हूँ, आई हैव नो आइडिया. बट एज फार एज आई नो आई एम सपोज टू कैरी लाइक 2 to 3 स्पोर्ट्स शूज, अ लॉट ऑफ क्लोथ्स ऑफ कोर्स, शेड्स एंड ऑल ऑफ दैट. ओके लेट्स डू इट. पैकिंग तो ठीक है, अनपैकिंग और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है. वहाँ पे गर्मी तो बहुत है, बट उन लोगों ने ये भी बोला है कि वहाँ पे ऐसे 3 बजे के बाद ठंड भी हो जाती है, तो क्या आप ठंड और गर्मी दोनों के कपड़े लेकर जाओगे? That's quite a question. That is why मैंने ये हुडीज और ये थोड़े से गर्म, थोड़े से वार्मर स्वेटशर्ट्स निकाले, बिकॉज आई वाज लाइक रात में अगर पहनना हुआ ठंड लगी इन वेयर डेज, बट क्या ही करेंगे, पर समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या करूं. 4 बहुत है नहीं यार, 4 दिन है, तो मतलब आपको कम से कम 7 कपड़े तो लेके जाने ही चाहिए, राइट? दैट्स हाउ इट वर्क्स. हाँ ये कर लो पहले. क्या निकाले? इंस्टाग्राम में क्या हो गया है, जहाँ जैसे आप खोल रहे हो गुलाबी साड़ी आनी लाली लाली. मैं भी बनाई हो रही, लग रहा है नहीं देखी, जाओ जाके देखो. हालांकि ये वीडियो बहुत टाइम बाद आएगा, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दैट वीडियो. 3 शॉर्ट बेसिक टी शर्ट्स, बिकॉज व्हाई नॉट. ओह गॉट समथिंग वेरी प्रिटी, ये तो लेना बनता है. शॉर्ट्स भी लेके जानी चाहिए, राइट? व्हाट इफ दिन में मुझे शॉर्ट्स पहनने का मन, 3 बजे बाद तो आई कैन ऑलरेडी चेंज. ऑफ कोर्स एक पैटलो लाइन चढ़ने ना करता आनी पर कबाट ऊपर ना पग रख के. हां हां उतर ले प्रियम, अरे पैटलो ले ले, बाथरूम में थी ले ले कार्ड से. प्रियम तेरी मोटी बहन ने मदद कर. हां तू लाइक वैसी जा ऐसा देने में और इसे मैं अच्छे से पैक करने वाली हूँ. काफी ज्यादा है 4 दिन के लिए, बट लेट्स डू इट. Confused. 4 दिन के ट्रिप के लिए मैंने कम से कम 11 टी शर्ट्स रखी है, लाइक टी शर्ट्स टॉप्स एंड ऑल ऑफ दैट. मैंने 2 पूरा वर्कआउट का सेट रखा है, मैं 2 स्वेट शर्ट्स रखे हैं, एंड 2 क्वाड सेट्स भी निकाले हैं. आई मीन आई हैव नो आइडिया ये कौन से टाइप की कौन सी पैकिंग कर रही हूँ मैं, लाइक आई हैव नेवर बीन दिस अनप्रिपेयर्ड, यू नो व्हाट आई मीन. आई थिंक मुझे 2-4 कपड़े निकाल लेने चाहिए, बिकॉज दिस इज टू मच, दिस इज एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ माई हैंड्स. इट्स माई थिंग, मैं हमेशा ओवर साइज टी शर्ट्स 4-5 डाल ही देती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या पहनना चाहिए, यू कैन ऑलवेज थ्रो ऑन अ पेयर ऑफ डेनिम एंड एक अच्छा सा ओवर साइज टॉप टी शर्ट डाल दो. ओके सो मैंने 2 सनस्क्रीन निकाल ली है. आई हैव टेकन अ नायसिनमाइड, आई वॉन्ट टू टेक अ मॉइस्चराइजर बट लाइक अ वेरी लाइट वन. सो और रादर आई कैन टेक माई स्नेल म्यूसिन, इट्स बीन अ वाइल आई हैवंट यूज दिस, तो ये लेते हैं.
आई क्रीम आई एम नॉट रियली श्योर इफ आई वॉन्ट टू बट आई वॉन्ट टू टेक द मास्क. एक मास्क लेती हूँ वहाँ पे. आई हर्ड दिस लॉट ऑफ हीट, गर्मी है. आई वॉन्ट टू टेक दिस बॉडी मिस्ट, स्मेल्स सो गुड, इट्स प्योर सेडक्शन बाय विक्टोरिया सीक्रेट. बट आई ऑल्सो लव दिस वन, तो ये भी ले सकती हूँ मैं. क्या करना चाहिए? आई थिंक आई विल स्टिक टू दिस वन बिकॉज गिंगम से ऑफ लेट मुझे थोड़ा सा सर दर्द होने लगा है. ओ, सर दर्द से याद आया, आई हैव टू टेक माई सर दर्द का मेडिसिन, इट्स राइट देयर. सो डेफिनेटली नॉट फॉरगेटिंग दैट. ये बाय द वे एक वाइटामिन सी का ट्यूब था जिसको मैंने इसे काट लिया है और उसे अच्छे से रैप किया है. आई मीन डोंट फॉलो मी गाइस, बट मुझे उसके पूरे पैसे वसूल करने थे बिकॉज इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव वाइटामिन सी सीरम. ओके, सो लिप बाम आई ऑलरेडी हैव इट इन माई पर्स, सो डोंट नीड another one. That's it. Skincare is done. This is my skincare pouch wash bag में. ये बड़ी handy लगती है, जो बहुत ही सही लगती है. Hey guys, my packing is done. Let me take you through. यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने अपना पैंट वाला नाइट सूट रखा है, which is so cute. This is my makeup pouch. Super nice, right? इसके अंदर मेरे सारे bottoms हैं. इसमें मेरे सारे shirts, t-shirts, sweatshirts, ये सारी चीजें हैं. This goes in here and ये बंद हो जाएगा. यहाँ पे मैंने रखे हैं दो socks. मेरा body mist. I'm not using perfumes these days because for some reason मेरा migraine का जो intensity और frequency है वो बढ़ गया था. Plastic bags पे मैंने अपने shoes रखे हैं. I think I really need to get those shoe bags, but for now this is fine. मैंने दो जूते रखे हैं. यहाँ पे मेरे वर्कआउट क्लोथ्स है. दिस इज माई स्किन केयर पाउच. इसके अंदर मैंने मेरा मोस्टली सारे ब्रशेज वगैरह है और थोड़ा सा छोटा छोटा सामान है. बट आई वॉज जस्ट टू लेजी टू लाइक लिटरली पैक ऑल ऑफ दैट इन लाइक अ स्मॉलर पाउच. सो या दिस इज माई लॉन्जरे पाउच. ये एक शेड्स रखे हैं और यहाँ पर मैंने एक स्लीपर्स रखे हैं. वाओ, that's about it. We all done very organized, very nice, but I think I could have done better. I hope you all enjoyed watching this messy pack with me. At this moment I don't even know ki main isme upload karungi ki nahi karungi, but ha, agar kar diya and if you liked it, if you watched it so far, please go like the video, share it with your friends, or maybe not, I am too embarrassed. Subscribe to my channel. Let me know in the comments what was your most favorite messy part from this video or kya aap dekhna chahte ho mere channel pe. And that's it. I'm just blabbering and how, but I'm just gonna go sleep. But probably before sleeping I am going to go eat something because suddenly packing kar kar ke meri bhook wapas aa gayi hai. I mean I already had my dinner but I'm really hungry, so probably I'll eat something like chutru putru kuch aise kha lungi, something healthy. That's it guys, bye. I mean just jao please, bye.